हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं हूँ सुमन पांडे। और फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारे बहुत से ऐसे ख्वाब हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि इस ब्लॉग से पूरा हो। तो मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड्स। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं घर के सारे कामों को ख़त्म करके ही ये ब्लॉग बना रही हूँ फ्रेंड्स। और गांव में ज़्यादातर है जो कि लेडीज़ बाहर नहीं निकलती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं जो हूँ यहीं पर ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब अपनी छत पर ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। और अगर मैं ज़्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ फ्रेंड्स, लेकिन अगर मैं गलत भी बोल जाऊँ तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। और क्योंकि मैं आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकती हूँ। और प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को भी वायरल कीजिए, आप लोग के सपोर्ट से ही वायरल होगा फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि अपने बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो आप लोग के सपोर्ट से ही करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। और मैं क्या कहूँ आपसे, तो मैं आपको थोड़ी सी बैक कैमरे से मैं बाहर का लोकेशन भी दिखाती हूँ। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग पर, फर्स्ट ब्लॉग पर बने रहे फ्रेंड्स। मैं आगे आपको बैक कैमरे लेकर चलती हूँ। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो शीशम का पेड़ है फ्रेंड्स, देखिए कितना हरा भरा, इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पूरे पत्ते जो हैं ग्रीन ग्रीन लग रहा है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप ये देख सकते हैं, आपको पूरी लोकेशन मैं दिखा सकती हूँ। सामने आप देख सकते हैं एक गाय बांधी हुई है, क्योंकि ये देहात है फ्रेंड्स। तो देहात में तो आप जानते ही हैं कि देहात में जानवर लोग ज़्यादा मतलब करके ही पोसे जाते हैं, रखे जाते हैं, गृहस्थ आदमी ज़्यादा करके रखता है। तो आप देख सकते हैं, और ये सामने और भी आप देख सकते हैं, ये जामुन का पेड़ है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हवा इतनी काफ़ी तेज़ है फ्रेंड्स कि देखिए कि मतलब पेड़ का जो पत्तियाँ है, पेड़ है जो कितना हिल डुल रहा है, ये आपको तो ये सब दिखाई दे ही रहा होगा। मैं बाहर का लोकेशन आपको पूर्ण रूप से दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं। तो और दो देखिए, यहाँ पर ताड़ का पेड़ भी है फ्रेंड्स। और सामने ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये आम का पेड़ है, ये भी आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी सी नहीं आगे के, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भोलेनाथ का मंदिर और ये बजरंगबली का मंदिर है। ये बाहर का लोकेशन है, तो ये आप देख सकते हैं। सामने पेड़ पौधे कितना ग्रीन ग्रीन देखने में अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और मैं देखिए अपने छत पर ये एक तुलसी जी का पौधा लगाई हुई हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और इधर भी आप देख सकते हैं, पपीता का पेड़ है, तो ये भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ऊपर देख सकते हैं कि बादल का क्या रंग है, बारिश होने वाली है, अभी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये देहात एरिया है, तो आपको सब कुछ देखने के लिए हमारे फर्स्ट ब्लॉग में मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही हमारे फर्स्ट ब्लॉग में, कि देखिए यहाँ पर मतलब देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ जानवर भी पोसे जाते हैं। देखिए सभी लोग यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। गांव की ज़िंदगी ऐसे ही होती है, देहात की ज़िंदगी ऐसे ही होती है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, और हमारे वीडियो में जो है कि फ्रेंड्स जो आवाज़ आ रही है, लगता है शायद हमारे गांव में कोई पूजा पाठ हो रहा है, इसीलिए ये आवाज़ आपको दिखाई मतलब सुनाई दे रहा होगा। तो आप लोग ब्लॉग पर, हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप हमारे इस फर्स्ट ब्लॉग को ज़रूर ही सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं हूँ सुमन पांडे, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो मेरा अगर एक वीडियो वायरल होगा फ्रेंड्स, तो फिर मैं आप ही लोग तो सब कुछ है, मेरे इस वीडियो को वायरल कीजिए। मेरी इतनी बड़ी बड़ी ख्वाबें हैं कि मैं अपने आप तो पूरा कर नहीं सकती, आप ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी मदद कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। तो मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।